शाम को जानकारी प्राप्त हुई कि मॉम लॉन्चिंग के तहत हत्या कर दी गई है। सूचना पाते ही मैं सुबह को यहाँ पर आया हूँ, मेरा घर गिरिडीह है, और हमने प्रशासन से मांग की कि 27 नामजद मुजरिम का तत्काल गिरफ्तारी हो, 27 नामजद मुजरिम पर मॉम लॉन्चिंग केस हो और अभियुक्त को फांसी की सज़ा दी जाए। परिवार का एक लौता वारिस समाप्त हो गया, तत्काल 50 लाख का मुआवजा निर्गत हो। परिवार का एकमात्र पढ़ाकू लड़का का जीवन समाप्त हो गया, परिवार का एक सदस्य को नौकरी झारखंड सरकार दे, एवं स्वर्गीय रुपेश पांडे के नाम पर करियातपुर मोड़ पर जहां से यह बच्चा गुम हुआ और इनकी हत्या मॉम लॉन्चिंग के माध्यम से कर दी गई, वहां पर रुपेश कुमार पांडे के नाम पर एक स्मृति का निर्माण ने 27 लोगों को मॉम लॉन्चिंग के तहत गिरफ्तारी का आश्वासन दिए हैं और मॉम लॉन्चिंग का ही केस दर्ज होगा। इस पर किसी प्रकार की पैरवी या निष्पक्ष जांच की जाएगी, ऐसा डीएसपी साहब ने बोले हैं। साथ में एसपी साहब भी वहां पर उनके प्रतिनिधि डीएसपी साहब ने कहे हैं। और प्रशासन की ओर से परिवार के भरण पोषण के लिए, क्योंकि दोनों जो है सो एक ही वारिस था और दोनों का कमाऊ लड़का वही था, इस कारण सरकार की प्रशासन की ओर से डीसी साहब की ओर से कहा गया है कि 6,000 की मुआवजा प्रत्येक माह इंक्रीजिंग के साथ प्रत्येक माह आजीवन दिया जाएगा। पूरे घटना के पीछे मुख्य वजह क्या था? मुख्य वजह मॉम लॉन्चिंग ही है, क्योंकि बच्चा उधर घूमने गया था और ऐसी घटना घट जाती है, इसमें और क्या रहेगा। रुपेश के साथ 3 बच्चे और हैं जिन्हें मुझे जानकारी नहीं है वो कहाँ के हैं या नहीं है। जो 3 बच्चे से मेरी संपर्क नहीं है, क्योंकि मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ पर और परिवार वाले जानते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र तिवारी है, मैं स्वर्गीय रुपेश पांडे का मामा जी हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।